फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज प्रिया की लाइफस्टाइल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे। मैं भी मस्त हूँ, फिट हूँ। और आज मैं ब्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ बड़ा बनाने से, क्योंकि जस्ट मैं अभी आई हूँ और ब्लॉग मैंने शुरू नहीं किया था, तो खुशी में आई कि बस एक दो वड़ा छान चुकी थी। लेकिन मैंने सोचा चलो अब आई टाइम से तो मैं करवा लेती हूँ, क्योंकि रेडू दीदी की मतलब बड़ी खुशी के घर पे है चटपटा माता की पूजा। जय चटपटा माता की पूजा है तो शाम को शिव चर्चा है, तो इसलिए हम दीदी ने सोचा कि चल टाइम से आ जाना, पर मेरे दिन पे पानी आने का टाइम हुआ था इसलिए मैं नहीं आ पाई थी, काम ज्यादा था, तो मैंने ब्लॉगिंग भी नहीं शुरू की थी। जस्ट मैं आई और तुरंत मैं यहाँ लगी हूँ, बैठी तक नहीं हूँ, एक मिनट नहीं बैठी हूँ। खुशी यहाँ से फटाफट से बड़ा तल ले रही है और मैं इसे गोल गोल कर दे रही हूँ। मैंने बोला मैं तल दूँ, लेकिन बोली नहीं मुझसे आप गोल गोल कर दो, मैं तल लूंगी। और ध्यान से देखो मुझे छोड़ नहीं रहा है, क्योंकि बड़ी खुशी के घर जल्दी नहीं आया है ना, तो इसको हैबिट नहीं है, पीटू के साथ ज्यादा रहता है ये। तो चलो वीडियो दिखा दे कौन पीटी। आप लोग भी आ जाइए, खूब सारे बन रहे हैं वड़ा, आके इंजॉय कर लेना। लेकिन जब तक आप लोग आओगे तब तक बड़े बासी होके दूसरे दिन हुआ रहेगा। इधर इतनी क्वांटिटी है, बाहर दिखा दो। हाँ खुशी को जम नहीं रहा था, खुशी बस दो चार बड़ा खाड़ी उसके बाद नहीं जम रहा था, तो फिर अब मैं ले रही हूँ ये पार्ट में खुशी को दे रही हूँ। पैसा देख थोड़ी मैंने उगड़ के ठोका, ये क्या है? तो ये पूरा नहीं दिया तू, क्यों पूरी बेइज्जती मेरी करा के आया है? इसको मैं दो दी थी, क्यों नहीं दो लड़की क्यों नहीं दिया पहले बताओ? मम्मी को इधर ही चाहिए था। अरे तो उसको तो चाहिए था, तुम राखी का गिफ्ट लेके गए थे, बोल देते पूरा ले लो तुम, तुमको पूरा दे देना चाहिए था। बोली थी ना कि ये पूरा देना एक गर्ल्स को और एक गर्ल को पूरा, तो तुमने और चॉकलेट दे दिए और इरेजर दे दिए, स्केल पेंसिल शॉर्पनर सब पड़ा, पूरी बेइज्जती मेरी करवा दिया है। उसने सारी घर पे जाके दिखाएगी राखी बनाई, रबड़ मिला और दो टे चॉकलेट मिला। काल का नहीं, बाकी जन बच्चा अगले साल दे। कह रहा है उसने मांगा ही नहीं। अरे मांगा नहीं, मैंने तुमको बोला था ना बार बार, मैं स्कूल से निकलते वक्त भी बोली थी डुगू एक ना एक गर्ल्स को दे देना, एक एक गर्ल्स को दे देना। वो मांगे नहीं मांगे फिर भी दे देना कि मेरी मम्मा ने दिया है, नहीं इरेजर चाहिए बोल रहा है, बाकी अपने उसने इरेजर मांग तो इरेजर दे दिया। अब कल जाके जब भी स्कूल जाना मंडे को, मंडे दीदी चुप ना, मंडे को स्कूल जाना। सो अब स्टार्ट हो गया शिव चर्चा की पूजा, तो मीना यहाँ पे वहाँ शिव चर्चा के लिए नाश्ता बना रही है, क्योंकि 3 घंटा कंटिन्यू होने के बाद सबको कुछ नाश्ता चाहिए होता है ना, इसलिए सो मीना यहाँ पे बना रही है उपमा, बहुत टेस्टी बना था सच में। ये है खुशी मुंह छुपाती हुई गाइस, ये मौसी मेरी प्यारी सी उपमा बना रही है, खुशी थोड़ी सी हेल्प करवा रही है, और ये छोटी मौसी राखी बांध कुछ ना रहे किसी और को गिफ्ट लेके आए, और अभी पूछ रही हूँ जरा उसके मुँह के एक्सप्रेशन को, मुझे लगेगा ये क्या बोल रहा है, कौन निकाला सॉफ्ट लगी उसका हालसर से। रुको मैं छुप के उसका वीडियो लेती हूँ। सीधे बैठ के अभी मुझे कैसे आंसर दे रहे थे सीधे बैठ के वैसे, क्योंकि मंगा रही। तो जो तुमको राखी बांधा उसको तुमने क्या दिया? अरे गिफ्ट मंगाना ही नहीं था, टीचर ने बोला कि टीचर कुछ नहीं बोले बस राखी बांधवा बस, नहीं देना था, नहीं देना था ना गिफ्ट। तो फिर दूसरे को क्यों दिए?
तो मरियम को इरेजर क्यों दिए? इरेजर उसके बाद कोई गिफ्ट नहीं था और सबके पास गिफ्ट था। मैंने बोला जो राखी बांधा उसको क्यों नहीं दिया, तू बोला क्योंकि वो मेरे पास बैठी नहीं। बैठेगी तभी देगा। वही तो अरे तो टीचर ने मंगवाया तो था ना देने के लिए। क्या अरे इसका मतलब मरियम ने राखी नहीं बांधी, किसी और ने बांधी है, पर दिया गिफ्ट इसने मरियम। राखी किस लड़की ने बांधी? नाम उसको नाम नहीं मालूम। नित्या ने राखी बांधी। याद आ गया, अभी याद आ गया। और गिफ्ट मरियम को दिया, उसके बाद कोई गिफ्ट नहीं था तो तुमने दे दिया। और सबके पास था देवो, जो नित्या के पास था गिफ्ट सबके पास। अरे उसके पास आया कैसे? जब नहीं वो मॉम थ्री में, वो उस क्लास में रहती है, मैं इस क्लास में रहता हूँ इसलिए। तो उसके पास ऑलरेडी गिफ्ट था तो दूसरे क्लास में? नहीं उसके बाद कोई। तो तेरे टीचर ने दूसरे क्लास की लड़की से कैसे बनवाया रहा? ऐसे हाथ कर लो क्या पागल इसका भाई। अच्छा बंदा, खूब अच्छा बंदा है यार। बेचारी जो लड़की के लिए गिफ्ट भेजी थी उसको नहीं मिला, आधा दोना किसी और को दे। क्या है? मैं बोले क्यों मरियम को दिए, वो मेरी फ्रेंड थी। फ्रेंड थी तो दे दिया, और जो पानी दिया। हाँ अच्छा, क्या डुगू। शिव चर्चा अच्छे से हो गई, उसके बाद जीजू आ गए थे। फिर जीजू के साथ मुझे मेरे घर जाना है, कुछ काम है, आप लोगों को मैं आगे बताऊंगी। तो बस जीजू थोड़ा सा फ्रेश होंगे, चाय वगैरह पियेंगे, उसके बाद मुझे मेरे साथ लेके चलेंगे घर। और इनको भी उसी साइड कुछ काम है तो अपना काम कर लेंगे। सो फ्रेंड्स मैं भी आ गई थी अपने घर और फटाक से मैंने चेंज किया, और मेरा घर खाली खाली लग रहा है वो इसलिए क्योंकि ही शाम का टाइम है और डुग्गू ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। तो ये द्रियांश को लेके आई हूँ। डुग्गू अभी ना, मैं जीजा मुझे छोड़ने आए थे बिकॉज आज ये आएंगे नहीं, मतलब ऑफिस से डायरेक्टली मेरी फ्रेंड के घर, मतलब कुछ काम की वजह से चले गए हैं। तो वहाँ गए तो वो कल ही आएंगे डायरेक्टली, वहीं से ऑफिस कल भी चले जाएंगे। तो इस वजह से मैं अकेले तो मैं नहीं रह सकती भाई, तो इसलिए मैं जा रही हूँ मम्मी के घर रुकने। तो आई थी बस फटाक से चेंज करने, क्योंकि साड़ी पहन के तो मैं रात नहीं रुक सकती थी, तो इसीलिए मैं चेंज करके अब चल रही हूँ डुग्गू का भी एक सेट कपड़ा लेने, क्योंकि आज रक्षाबंधन था। तो डुग्गू पूरा मतलब ट्रेडिशनल कपड़े पहन के गया था, तो इसलिए वो रात को भी वैसे नहीं सोएगा। तो इसलिए डुग्गू के लिए कपड़े लेने आई थी, क्योंकि यहाँ पे जियांश का कपड़ा ना मम्मी के यहाँ एक्स्ट्रा रहता ही है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो बस ले ली हूँ और अब चल रही जीजा को फ़ोन करें, जीजा आ जाएंगे नीचे लेने। तो चलिए चलते हैं, वीडियो में बने रहना, बाय बाय। सो अब जीजा मुझे मम्मी के घर छोड़ देंगे। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, करती हूँ टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइज़, बाय। डुगू ने तो आज मेरी बहुत बेइज्जती कराई।